नमस्कार, जनता दरबार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन शर्मा। खबरें एक झलक में नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। देश में विमानों में बम की धमकी का सिलसिला जारी है। गुरुवार को इंडिगो, एयर इंडिया, विस्तारा और अकासा एयर की 85 फ्लाइट्स को बम की धमकी मिली। एक दिन पहले आईटी मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर एयरलाइंसों के साथ इस मुद्दे पर वर्चुअल मीटिंग की थी। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हो रहा है, जहां 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया गया है। इसमें 7 मुस्लिम बहुल देश शामिल है, लेकिन पाकिस्तान को इसमें जगह नहीं मिली। पाकिस्तान ने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी स्थान नहीं मिल सका। शासन सचिव स्कूल शिक्षा कृष्ण कुणाल के गुरुवार को सचिवालय में राइजिंग राजस्थान के तहत 6 नवंबर को होने वाले शिक्षा विभाग की प्री समिट की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों से सुझाव लेकर आयोजन को सफल बनाने के निर्देश दिए। प्रभारी अधिकारियों को अन्य विभागों के साथ समन्वय करने का भी निर्देश दिया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने गुरुवार को राजभवन में प्रदेश के वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की नई रैंक और नई शिक्षा नीति पर आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालयों का रोस्टर बनाने और कॉलेजों की नैक रैंकिंग की तैयारी पर जोर दिया। उन्होंने रोजगार उन्मुखी पाठ्यक्रम तैयार करने का सुझाव दिया, ताकि विद्यार्थी नौकरी करने के बजाय नौकरी देने वाले बन सके। जौहर कला केंद्र द्वारा आयोजित 27वें लोकरण का जादू कला प्रेमियों पर छा रहा है। शिल्पग्राम में हस्तशिल्प उत्पादों की खरीदारी के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मुख्य मंच पर मंगनियार गायन, लोक नृत्य, कालबेलिया, मोरचंग, चक्री, जादू और मयूर नृत्य की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल जीता। साथ ही रंग चौपाल पर पतदंगल गायन और विभिन्न राज्यों के कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर राजसमंद के देवगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। घुमंतू जातियों को पट्टा वितरण पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि जरूरतमंदों को समय पर पट्टे मिले और जनता सर्वोपरि है। प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के 12वें मैच में यू मुंबा ने बुधवार को गाची बोवली इंदौर स्टेडियम में गुजरात जॉइंट्स को 33-27 से हराया। यह यू मुंबा की इस सीजन में पहली जीत रही, जबकि गुजरात को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने गुरुवार को अपने 16 साल के शानदार करियर का समापन करते हुए संन्यास की घोषणा कर दी। रानी ने 2008 में 14 साल की उम्र में ओलंपिक क्वालिफायर में डेब्यू किया था और अपने 254 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 205 गोल किए, जो इन्हें भारतीय हॉकी का एक महान सितारा बनाते हैं। अमेरिकी सिंगर और सॉन्ग राइटर बिली एलिश न्यूयॉर्क में लाइव कॉन्सर्ट के दौरान स्टेज से गिर पड़ी। 22 वर्षीय बिली मेडिसन स्क्वायर गार्डन में परफॉर्म कर रही थी, जब मंच से उतरते समय कम रोशनी के कारण उनका बैलेंस बिगड़ गया और वे सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हालांकि बिली ने अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा और दर्शकों का उत्साह बनाए रखा। हाल ही में कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक ने अपना 7 साल पुराना झगड़ा भुलाकर मामा गोविंदा के घर जाकर उनका हालचाल लिया। एक इंटरव्यू में कृष्णा ने कहा, जैसे ही मैं भारत लौटा, मैंने सीधे 7 साल बाद मामा से मिलने उनके घर जाने का फैसला किया। ऐसा लगा जैसे मैंने आधा वनवास पूरा कर लिया हो, वो ठीक हो रहे हैं और मैंने उनके साथ लगभग 1 घंटा बिताया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।